जस्टिस वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म कमिश्नर और आईजी केपीके से अपनी तहफ़ और इंसाफ के लिए अपील करती हूँ कि मकामी इंतजामिया की मिली भगत से तकरीबकार ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाला कर्जा माफिया जिनके नाम वक़ार अख्तर उर्फ डबा एजाज अख्तर पिसराने अमीर जमान व दीगर हमारी जदी पुश्ती अराजी कंगालान नामी जायदाद पर काबिज है। अदालत में हमारे हक में कई फैसले होने के बावजूद मुतल्लिका इदारे या अहकाम कोई दर रसाई नहीं कर रहे हैं, जबकि कब्जा माफिया का ताल्लुक तकरीबकार ग्रोह है। हमें जान से मारने समेत संगीन नतीजे की धमकियाँ देकर शदीद ज़हनी कुफ़त में मुब्तला किए हुए हैं। हमारी अराजी से तकरीबन 70-80 लाख रुपूस की गैर कानूनी दरख्तों की कटाई ज़बरदस्ती की गई है, जिस पर बाकायदा इंक्वायरी की गई है और जो इंक्वायरी कॉपी की रिपोर्ट लफ है। इसके अलावा अभी रिसेंटली तकरीबन चंद दिन पहले हमारी ज़मीन से तकरीबन 50 लाख रुपयों की मट्टी की फरोख्त की गई है, जिसके मुतल्लिक मैंने आला अहकाम को आगाह किया था, लेकिन वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मेरी वालिद मोहतरम ज़ईफ़ हैं और ज़ईफ़ होने की वजह से उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और ज़ईफ़ होने के नाते वो अपनी आवाज़ आला अहकाम तक पहुँचाने में उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मैं पुरज़ोर अपील करती हूँ वज़ीर आज़म वज़ीर आला चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आला कमिश्नर और आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से कि हमारे साथ होने वाली ज़्यादती का नोटिस लेकर तहफ़ुज़ इंसाफ़ फराहम करें और हमारी जायदाद